नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज आरसीबी और गुजरात टाइटंस का महामुकाबला खेला जा रहा है, जहां देखने को ये मिला है दोस्तों कि आज गुजरात टाइटंस ने बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस की है। हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी देखने को मिली है, तो वहीं विराट कोहली ने भी दोस्तों बहुत लंबे टाइम के बाद अपनी अर्धशतकीय पारी खेली है। और इस अर्धशतकीय पारी के बाद दोस्तों विराट कोहली ने आज कमाल ही कर दिया है, इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां, आपको बता दें, आज दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच में एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में उम्मीद ये की जा रही थी कि गुजरात टाइटंस की टीम आज ये मुकाबला जीत जाएगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी देखने को मिली है, जहां देखने को मिला कि आज रिद्धिमान शाह ने 22 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेली, तो सुमन गिल आज गुजरात टाइटंस की तरफ से सिर्फ एक रन ही बना सके। वहीं मैथ्यू बेड ने आज 13 गेंदों पर सिर्फ 16 रनों की पारी खेली, जबकि हार्दिक पांड्या ने दोस्तों आज कप्तानी पारी खेली है। जी हां, आज हार्दिक पांड्या ने 47 ही गेंदों पर 62 रन जड़ दिया। अपनी इस पारी में इन्होंने 4 चौकों के साथ साथ 3 छक्के भी जड़े, और अंत में दोस्तों डेविड मिलर ने भी 25 गेंदों पर 34 रनों की पारी खेली। फिर राशिद खान ने 6 गेंदों पर 19 रन जड़ दिया। तो कुल मिलाकर के आज गुजरात टाइटंस ने 168 रन बना दिया, लेकिन अब आरसीबी को जीतने के लिए 169 रन बनाना था। और यहां पर दोस्तों जो विराट कोहली ने आज परफॉर्मेंस करके दिखाई है, इसने कहीं ना कहीं सभी का दिल जीत लिया है। जी हां, आपको बता दें, आज विराट कोहली ने दोस्तों बहुत लंबे टाइम के बाद लय प्राप्त की है, और लय भी ऐसी पकड़ी विराट कोहली ने कि हर गेंद पर वो शॉट खेल रहे हैं। आपको जानकर काफ़ी खुशी होगी कि आज विराट कोहली अभी तक सिर्फ और सिर्फ 47 ही गेंदों पर 63 रन मार करके खेल रहे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि विराट कोहली कितनी शानदार फॉर्म में है, और बहुत लंबे टाइम के बाद विराट कोहली ने फॉर्म में वापसी की है। आपको बता दें, विराट कोहली ने ये 63 रनों की पारी अभी तक 7 चौके और 1 छक्के की बदौलत लगाया है, और विराट कोहली अभी भी नॉट आउट हैं, और जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो भी विराट कोहली अभी टिके हुए हैं मैदान पर। इसका मतलब ये है कि विराट कोहली की फॉर्म लगातार वापस आ रही है, और लग रहा है कि विराट कोहली आज के मुकाबले में शतक भी मार सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो विराट कोहली के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि विराट कोहली ने लगभग पिछले 2 साल से कोई भी शतक नहीं मारा है। और अगर ऐसा हो जाता है तो विराट कोहली के करियर पर यहाँ से एक बार फिर से जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन विराट कोहली ने इस पारी के बाद दोस्तों जो बातें कही हैं वो काफ़ी दिलचस्प है। विराट कोहली का मानना है कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों का हाथ है जिन्होंने विराट कोहली की काफ़ी मदद की है। इस दौरान जब विराट कोहली बुरे दौर से गुजर रहे थे, तब बहुत सारे खिलाड़ियों ने विराट कोहली की सीधे सीधे मदद की थी। फिर चाहे केएल राहुल हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, यहाँ तक कि श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने और रोहित शर्मा ने भी विराट कोहली को समझाया था और कहा था कि विराट कोहली एक अच्छे प्लेयर हैं। अब ऐसे में विराट कोहली ने आज दोस्तों अपना दमखम भी दिखा दिया। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।